हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.2 चल रही है हमारी। क्वेश्चन नंबर 20 पर हम यहाँ पर भी आपको एक तरीके से लैंग्वेज का क्वेश्चन दिया है और उसको एलेबरेट करके आपको मैट्रिक्स एल्जेब्रा से उसको सॉल्व करके दिखाना है। एक देखो, बुक शॉप है, पर्टिकुलर स्कूल में 10 डजन केमिस्ट्री की किताबें चल रही हैं, ठीक है, 8 डजन फिजिक्स की चल रही है और 10 डजन इकोनॉमिक्स की। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, देखो मैट्रिक्स के, यूजिंग मैट्रिक्स हम लिखेंगे यहाँ पे। ये हो गया आपके पास 10 डजन। तो सर ये तो है मेरे पास केमिस्ट्री की किताब है, फिर है मेरे पास फिजिक्स की किताब है और फिर है मेरे पास इकोनॉमिक्स की किताब है। अब देखो केमिस्ट्री के 10 डजन है, केमिस्ट्री के 10 डजन है और फिजिक्स की 8 है और फिर इकोनॉमिक्स के 10 है। अब आपको पता है सर 1 डजन के अंदर कितनी किताबें होती हैं? सर 12 बुक्स होती हैं। तो सर मुझे बाहर 12 से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए इन सबको। हाँ सर, अब मुझे इनकी कॉस्ट निकालनी है। तो इनकी कॉस्ट क्या दे रखी है आपको? कॉस्ट हम अब ये देखो रो में लिखे, तो ये आपको कॉलम में लिखना पड़ेगा। क्यों? तभी तो केमिस्ट्री से इसकी कॉस्ट मल्टीप्लाई होगी, फिजिक्स से इसकी ये कॉस्ट मल्टीप्लाई होगी। ऐसे तो करेंगे टोटल कॉस्ट निकालने की। सर ये 80 रुपीज दे दिया, सर ये 60 दे दिया, ये 40 दे दिया लाइन से। फाइंड द टोटल अमाउंट पूछ रहा है। तो टोटल अमाउंट इज, पहले तो उसको 12 से मल्टीप्लाई करो। तो सर ये 120, एक सेकंड एक सेकंड, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, वैसे हम डायरेक्टली कर सकते हैं क्या इसको? देखो आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हो। कैसे? देखो आप चाहो तो पहले इसको अंदर मल्टीप्लाई करके और फिर एक साथ इनके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो और फिर एडिशन कर लो, या तो ऐसे कर लो या फिर अलग सेपरेटली कर लो। कैसे? ऐसे जैसे मैं सेपरेटली कर रहा था, ठीक है सर। और ये भी 120, ये 80, 60, 40, ठीक है। अब हमने एक केवल ये हो गई आपकी, अब टोटल बुक्स ये हो गई, क्या हो गई आपके पास? ये बुक्स हैं आपके पास। अब इस किताबों में एक कॉस्ट, कॉस्ट पर बुक, एक बुक का कॉस्ट 80 रुपीज है केमिस्ट्री की। तो 120 का कितना हो जाएगा भाई? बिल्कुल सिंपल है, 120 मल्टीप्लाई 80, इससे इसको करना है, ऐड करते चलना है, इसको करना है ऐड, फिर 96 को करना है, समझ रहे हो ना? इससे इसको करा अपन ने, पहले फर्स्ट वाले में तो करते हैं, फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम को करते हैं, फिर सेकंड वाले पे पढ़ते हैं, तो इनको एडिशन करते चलते हैं। सर ये हो जाएगा 120 मल्टीप्लाई 40, इनको करो कितना हो जाएगा? ये अभी करके दिखाया मैंने आपको, कितनी बार में जाएगा ये हो जाएगा 9600। बताओ समझ में आएगा? ये कॉस्टिंग चल रही है आपके ना, ये कॉस्टिंग कॉस्ट कॉस्ट लिख दो, ठीक है। हाँ ये समझ में आ गया, ओके। आगे देखो ये हो जाएगा 6 6 36, 3 6 69 54, 55 56 57, और ये 0 + 48, 400। फिर आपको एडिशन करना है इनका सिंपली। तो देखो ये 0 हुआ और ये 6 हुआ, फिर ये 8 7 और ये 6, कितना हो जाएगा? 7 14 15, 15 6 21 21, कितना हो गया? देखो ये 4 5 9 9 9 18, 9 9 18 20। बताओ समझ में आ गया क्या यहाँ तक? यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताओ। ये आपके पास आ गया है हैंस, इसको कितना अमाउंट मिला? टोटल अमाउंट जो मिला इसको विल रिसीव 20,160 रुपीज, इतने रुपए मिले इसको इन किताबों को बेचने पे। आया समझ में? ये हुआ आपका एक्सरसाइज 3.2, क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीटेड।